प्रश्नमाला 3D अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला 20 और 120, तो इन दोनों का हमको सार्व गुणनखंड निकालना है। तो देखिए पहले लिखेंगे 20 का गुणन खंड बराबर, 20 का गुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे? देखिए 20 किस किस से कटता है? तो 1 से, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 6 से नहीं कटता है, 7, 8, 9 से भी नहीं, 10 से, ठीक है, और 20 से। तो देखिए इतना से 20 कटता है। अब लिखेंगे 120 का, 120 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? देखिए 1, 2, देखिए 3 से भी 120 कटता है, 4 से भी, 5 से भी, 6, 7, 8, 8 से भी कटेगा, 9, 9 से नहीं कट रहा है, 10 से कटेगा, 11, 12 से कटेगा, और देखिए 13, 14, 15 से कटेगा, और 16, 17, 18, 19, 20 से कटेगा। देखिए तो 20 लिख लेंगे, फिर 21, 22, 23, तो देखिए 120 का गुणनखंड इतना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60 और 120, यानी इतना अंक से 120 कटता है और 20 कितना अंक से कटता है। तो देखिए इन दोनों में सार्व गुणनखंड मतलब जो मिल रहा है उसको लिख देना है। तो कौन कौन मिल रहा है? देखिए एक मिल रहा है, तो एक तो सब में मिलेगा ही, दो मिल रहा है, देखिए दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो दो लिखेंगे, तीन ऊपर नहीं है तो तीन नहीं लिखेंगे, ठीक है, चार देखिए चार दोनों में है, तो जो दोनों में रहेगा उसी को लिखेंगे सार्व गुणनखंड, इसका उत्तर निकल जाएगा। फिर देखिए पांच है, फिर देखिए 10 है और 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे और करके लिख देंगे और 20, तो इसका इतना उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो सार्व गुणनखंड मतलब हो गया कि ऐसा अंक जो दोनों को विभाजित करे या काटे, ठीक है। देखिए और लगा दिए तो ये कॉमा यहां पे नहीं देंगे। देखिए दूसरा में है 15 और 35, तो 15 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 1 से कटता है 15, फिर 3 से कटता है, 2 से नहीं कटता है, 5 से कटता है और 10 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? सीधे 15 से, 15 से एक बार में कटेगा ही। 35 का देखिए 1, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 लिखेंगे, और देखिए 7, 7 से कट रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब से नहीं कटेगा, 16, 17, 20 से भी नहीं, तो डायरेक्ट 35 से। तो इसमें देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है? सिर्फ एक मिल रहा है और पांच, तो इसका सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1 और 5। तो इस तरह से लिख देंगे, देखिए सार्व गुणनखंड बराबर 1 और 5, यानी 1 और 5 से ही ये दोनों विभाजित होगा या कटेगा। देखिए 1 से भी दोनों कट रहा है और 5 से भी दोनों कट रहा है, तो इसका आंसर होगा 1 और 5। देखिए तीसरा है 12 का, 12 और 18, तो 12 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा? 1, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5, 6, 6 से भी कट रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी इतना से कट रहा है, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 7, 8, 9 से नहीं कट रहा है, तो जो जिस अंक से ये कटेगा यानी पूरी पूरी यह विभाजित हो जाएगा, तो उसी को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छक 12, सबसे देखिए कट रहा है 12। अब देखिए 18 का लिखेंगे, तो 1, 2, 2 से भी कटता है, 3 छक 18, 4 से नहीं कटता है, 5 से भी नहीं, 6 से कटता है, 7, 8, 9, 9 से कटेगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 से तक नहीं कटेगा, 18 से कटेगा, ठीक है, 9 से डायरेक्ट 18 से। तो अब देखिए सार्व गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो
एक देखिए एक दोनों में है, एक तो सब में ही रहेगा, दो दो देखिए दोनों में, तीन भी है और छः, तो तीन और छः, छः हो गया लास्ट में, इसीलिए और दिए हैं तो यहाँ पर कॉमा नहीं देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सार गुणनखंड बराबर एक दो तीन और छः, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 25 और 60, तो 25 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, एक कॉमा, फिर 5 से लगेगा डायरेक्ट, 10 20 10 10 12 ये सबसे कुछ इससे नहीं लगेगा, ठीक है 15 16 17 ये सबसे भी नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट 25 लिखेंगे, यानी 1 5 और 25। अब देखिए 60 का गुणनखंड, 1 कॉमा 2 कॉमा 3, देखिए 60 जो है 4 से भी कटेगा, तो 4 भी लिखेंगे, 5 से भी कटता है, 6 से भी कटेगा, 7 8 8 से नहीं कटेगा, 9 10 10 से लिखेंगे, 11 12, तो 12 5 होता है 60, तो यहाँ पर 12 भी लिखेंगे, कॉमा 15 15 से भी कटता है, और 16 17 18 19 20 20 से भी कटेगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 तक नहीं कटेगा 20 के बाद। अब देखिए 30 लिखेंगे, 30 से कटता है, फिर 60 लिखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60 से कटेगा 60, तो इन दोनों में देखिए कौन कौन मिल रहा है, 1 कॉमा 5, 1 और 5, तो इसका आंसर आएगा 1 और 5, तो इसका आंसर लिख देंगे, देखिए इसको काट देते हैं और लगा देते हैं, ठीक है 1 और 5, तो इसका सार गुणनखंड देखिए सामने लिखेंगे, तो सार गुणनखंड हो जाएगा 1 और 5। ये देखिए 5वां में 42 और 49, तो 42 का गुणनखंड हो जाएगा 1 3 6 7 14 21 और 42, यानी इन सब नंबर से 42 कट जाता है, तो देखिए 49 का गुणनखंड हो जाएगा 1 7 और 49, तो सार गुणनखंड सिर्फ 1 और 7 देखिए दोनों में मिल रहा है, बाकी कोई अंक नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ 1 और 7 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 17 और 19, तो 17 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 17, 17 देखिए सिर्फ 1 से कटता है और 17 से अपने आप से और 1 से, 19 भी देखिए 1 से कटता है और अपने आप से, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है दोनों, तो सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, दोनों में कौन मिल रहा है, 1, तो 1 जो है इसका सार गुणनखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 15 25 और 35, ठीक है ये 3 है, 3 5 4 लिखा गया था तो इसको 3 किए हैं, देखिए 3 है ये, यानी 35 है, क्वेश्चन में 35 दिया है, तो 15 25 और 35 का, तो पहले 15 का गुणनखंड हो जाएगा 1 3 5 और 15, देखिए 1 3 5 और 15 से 15 कटता है, 25 का गुणनखंड हो जाएगा 1 5 और 25, 35 का गुणनखंड हो जाएगा 1 5 और 7, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में से कौन मिल रहा है, तो सिर्फ 1 और 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 और 5, इसका उत्तर हो जाएगा सार गुणनखंड बराबर 1 और 5, तीनों में देखना हमको जो मिलेगा उसी को सार गुणनखंड में लिखेंगे, तो देखिए 5 तीनों में है और 1 तीनों में है, 7 नहीं है तीनों में, इसलिए 7 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 और 5 को लिखेंगे सार गुणनखंड में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 4 12 और 32 है, तो 4 का गुणनखंड हो जाएगा 1 कॉमा 2 और 4, देखिए 4 1 2 और 4 से कटता है, 12 में देखिए 12 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4 6 और 12, देखिए 12 जो है इन सब से कटता है यानी भागा हो जाता है, और 32 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 4 8 16 और 32, ठीक है, तो सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, तीन तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, उसके बाद 2 भी तीनों में है, देखिए 2 2 2 2 भी लिखेंगे, उसके बाद देखिए 3 नहीं है, 4 को देखते हैं, 4 4 4, तो 4 को लिखेंगे, तो यानी 1 2 और कोई तो नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ हम 1 2 और
चार लिखेंगे, कॉमा हटा देंगे, ठीक है। तो 1, 2 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 6, 8 और 12 में 6 का गुणनखंड हो जाएगा, 1, 2, 3, 6। देखिए 6 जो है 3 से भी कटता है, 2 से भी और 6 से भी और 1 से भी। 8 कटता है, 1, 2, 1 और 2, 4 और 8। देखिए इन सब से 8 कटता है। 12 जो है 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से कटेगा, तो इसमें सार गुणनखंड क्या क्या हो गया? एक, देखिए और कौन है, दो दो, देखिए तीनों मिल रहा है, तीन भी नहीं है इसमें, चार नहीं है, छः भी नहीं है, तो यानी एक और लिख देते हैं, क्योंकि सिर्फ दो मिल रहा है, एक और दो मिल रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सार गुणनखंड बराबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 4 सार गुणज ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन, 3 और 4, तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, यानी 3 का पहाड़ा लिखते जाना है, ठीक है, कितना भी जितना मन है वहां तक लिख देना है। उसके बाद देखिए 4 का पहाड़ा लिखना है, 4 का भी जहां तक मन है, ठीक है, वहां तक लिख देना है। हमको सार गुणज पूछ रहा है, यानी दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए कौन कौन संख्या मिल रहा है दोनों में उसी को लिखना है। तो देखिए 12 जो है दोनों में मिल रहा है, तो 12 लिखेंगे, और कौन मिल रहा है, तो 12 के बाद 24, देखिए दोनों में है तो 24 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 36 है दोनों में, तो 36 लिखेंगे। 4 ही पूछ रहा है इसलिए और लगाएंगे यहाँ पे 3 के बाद, तो 36 के बाद कौन मिल रहा है, 48 मिल रहा है, ठीक है, 42 नहीं है इसमें, तो 48 लिख देंगे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी सार गुणज, यानी दोनों में जो गुणज मौजूद है उसी को लिखना है, बस 4, शुरू वाला 4, इन्हें की बाद वाला या कोई भी 4, सिर्फ शुरू वाला, शुरू से स्टार्ट होकर 4 ठो, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 और 9, तो 6 का गुणज होगा, 6 का पहाड़ा लिख देंगे जहां तक मन है, ठीक है, तो 6 दूनी 12, 18, 24, 36, 36, 42, 54, 30, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 90 के बाद डॉट 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 दे दिए, यानी अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो 9 का गुणज क्या क्या हो जाएगा? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99। अब देखिए प्रथम 4, तो प्रथम 4 सार गुणज हमको चुनना है, तो देखिए कौन कौन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 है, तो 18 लिखेंगे, कॉमा, उसके बाद देखिए कौन है, 30 नहीं है, 24 नहीं है, 36 है, तो 36 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 36 के बाद होगा 54, देखिए 36 के बाद 54 है, तो 54 लिखेंगे, और यहाँ पे और लिखेंगे क्योंकि हमसे 4 ही पूछ रहा है, तो 54 के बाद कौन है, देखिए 63 है ऊपर, नहीं है, तो 72, हाँ 72 है, तो यहाँ पे 72 लिखेंगे। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 18, 36, 54 और 72 सार गुणज, यानी इन प्रथम 4 ही पूछ रहा है, तो शुरू से लेके 4 ही अंक लिखेंगे, तो यही हो जाएगा इसका सार गुणज, यानी जो जो दोनों में, दोनों के गुणज में उपस्थित है उसी को सार गुणज कहते हैं। तो देखिए तीसरा में, दूसरा का तीसरा, 12 और 8 है, तो 12 का गुणज हो जाएगा, 12 का पहाड़ा लिखेंगे जहां तक मन मर्जी है, ठीक है, 12 का 12, 12 दून 24, 12 36, ऐसे करते करते 108 तक लिखेंगे। उसके बाद देखिए 8 का गुणज, यानी 8 का पहाड़ा, 8, तो हम 8, 10, 80, 88, 96 तक लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए सार गुणज पूछ रहा है, यानी शुरू से लेके 4 तक, सिर्फ प्रथम 4 सार गुणज पूछ रहा है। तो सबसे पहला नंबर देखिए कौन मिल रहा है, 12, 24, 24, देखिए दोनों में, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद देखिए 48 दोनों में है, तो 48 लिखेंगे, कॉमा, 72 देखिए दोनों में है, तो यहाँ पे 72 लिखेंगे। अब और दे देंगे क्योंकि 4 ही पूछ रहा है,
अब देखिए 96 दोनों में है तो 96 लिख देंगे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 24, 48, 72 और 96 दोनों में उपस्थित है, यानी सार्वगुणज है 12 और 8 का। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? तो देखिए तीसरा नंबर में सह अभाज्य संख्याएं वह हैं जिनका सार्वगुणनखंड केवल एक हो, यानी उनका गुणनखंड एक हो और किसी से नहीं कटे, तो वह क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्याएं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी संख्या सह अभाज्य हैं, तो 15 और 24 तो देखिए दोनों 3 से कट रहा है, ठीक है, तो यह सह अभाज्य नहीं है, सिर्फ एक से कटना चाहिए। तो 32 और 51, देखिए 32 और 51 दोनों में देखिए 51 किसी से नहीं कटता है, सिर्फ 17 तिया 51 3 से कट रहा है, और 32 जो है, अच्छा इसको कॉपी पे बता देते हैं। देखिए तीसरा का पहला में है 15 24, तो इसका सार्वगुणनखंड 3 होगा, क्योंकि देखिए 3 से दोनों कटता है, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं, तो सह अभाज्य में क्या होना चाहिए? सार्वगुणनखंड 1 होना चाहिए, तो पहला तो नहीं होगा तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, पहला नहीं होगा। दूसरा में देखिए 32 और 51, तो 32 और 51 का सार्वगुणनखंड 1 है, कैसे? देखिए 2 से 32 कटता है लेकिन 2 से 51 नहीं कटता है, 3 से 51 कट रहा है लेकिन 3 से 32 नहीं कटेगा, ठीक है, 4 से सिर्फ 32 कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा, 17 से 51 कटेगा लेकिन 17 से 32 नहीं कटेगा, तो सिर्फ इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा? यानी 1 से दोनों कटेगा, तो ये हो जाएगा क्या? सह अभाज्य संख्या। दूसरा अब देखिए तीसरा में 6 5 11, 3 से ये नहीं कट रहा है ना 3 से ये कट रहा है, 5 से देखिए ये कट रहा है, 13 5 65, और ये देखिए ये किसी से नहीं कट रहा है, 119 नहीं 7 से कट रहा है, देखिए 7 एक बार में 4 इधर गया, यानी देखिए 119 जो है 17 से कटता है, 17 7 119, तो 17 से तो 119 कट रहा है लेकिन 17 से 65 नहीं कट रहा है, 7 से 119 कट रहा है लेकिन 7 से 65 नहीं कट रहा है, यानी दोनों का अलग अलग नंबर अपने सिर्फ खुद ही कट रहा है, दोनों एक एक नंबर से नहीं कट रहा है जैसे कि पहला वाला कटा था, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? सार्वगुणनखंड 1 होगा, तो सहभाज्य संख्या में यही कहता है कि सार्वगुणनखंड क्या होना चाहिए? 1, तो तीसरा भी हो जाएगा सहभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें 143, देखिए 4 में है 143 और 30, 30 तो 2 से कट रहा है, 15 दूनी 30 लेकिन 15 से ये नहीं कट रहा है ना 2 से कटेगा, और देखिए कौन 6 से कटेगा, 6 5 30, तो 6 और 5 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है, 30 से एक बार में कटेगा लेकिन 30 से ये नहीं कट रहा है, तो इसका सिर्फ 1 से दोनों कट रहा है, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यह सहभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका सार्वगुणनखंड क्या है? 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसमें हम इसका आंसर लिख देंगे दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका आंसर लिख देंगे दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब यही 3 जो है सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका सार्वगुणनखंड क्या है? 1 है। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।